वेलकम टू योर डियर स्टूडेंट्स इन आरसीआई एजुकेशन हब बांसूर. टुडे वी स्टडी क्वांटम नंबर्स. इन प्रीवियस क्लासेस वी सी पीरियोडिक टेबल एंड नेक्स्ट वी सी हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ periodic table. First of all, in this step by step, first we learn quantum numbers. In previous video we see the quantum numbers introduction and also first quantum number, that is principal quantum number, represent by n, and its feature also decide in previous video. I tell again you, n directly proportional to size, directly proportional to energy. Now we study second quantum number, that is azimuthal quantum number, also calls orbital angular quantum number, that is not by small l. Representation kisse hai? Small l. What is the feature of azimuthal quantum number? It decide subshell in orbitals. Orbitals में subshell का decide कौन करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड करते हैं. किस बेस के ऊपर? दैट इज डिसाइड बाई एक फॉर्मूला है, 2L+1. 2L+1 फॉर्मूले के बेस पर डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होंगे ऑर्बिटल्स में. देखिए सेल्स के अंदर कितनी सब सेल्स होंगी ये डिसाइड कौन करेगा? 2L+1 फॉर्मूले में L का जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगा. L का वैल्यू है, दूसरा जो मेन वर्क है L का, दैट इज डिसाइड द शेप ऑफ एटम. एटम का शेप है वो डिसाइड कौन करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर. ओके, मेन फीचर है सब सेल कितने होंगे उनके नंबर डिसाइड करेंगे किसके बेस पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स. आल्सो डिसाइड शेप बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट्स वैल्यू विल बी 0 to n-1. दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन n वैल्यू. इन प्रीवियस क्लास वी सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड इट्स वैल्यू विल बी 1, 2, 3, 4 etc. दैट मीन्स n मिनिमम इक्वल टू 1. सो इट्स वैल्यू विल बी, इफ यू डिसाइड l वैल्यूज, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड इफ n इक्वल टू 1 देन l इक्वल टू 0. इफ यूज n इक्वल टू 2 देन L वैल्यू विल बी 2-1=1. n इक्वल टू वी यूज 3 देन n वैल्यू विल बी 3-1 देन L वैल्यू विल बी 2. n इक्वल टू वी टेक 4 देन L वैल्यू विल बी n-1=3. दैट मीन्स L वैल्यू विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. On the basis of L values, we decide the subshell. Subshell may be, first of all, you see, if L equal to 0, that will be for subshell. Subshell ka name kya hoga? Agar L ka value kitna hai? 0 hai. That is S. S means spherical. P
L equal to 1, that will be P, and L equal to, if 2, that will be D, L equal to 3, that will be F, X equal to 4, that will be G, X equal to H, continue, this type will be continue, mostly useful for us, that is, L equal to 0, S subcell, S orbital, 1, P orbital, 2, D orbital, 3, F orbital determination. So easily you can see L value depend on N value. अगर आपको N की वैल्यू डिसाइड है तो किसका वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, N का वैल्यू डिसाइड कर सकते हो. और दोनों के ऊपर है रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, देयर विल बी रिलेशनशिप L इक्वल टू N माइनस L होता है. दैट मीन्स L का मान 0 टू N माइनस तक होता है. तो दैट मीन्स इस वाले पॉइंट के आधार पे N की वैल्यू के बेस के ऊपर आप किसका डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वाला जो है उसमें अपन देखते हैं N और L जो हैं वो आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं. व्हाट विल बी द रिलेशन इन बिटवीन L एंड N, दैट विल बी डिसाइड हियर. दैट इज इम्पोर्टेंट. वैल्यूज इज डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू. L वैल्यू डिसाइड, देन दैट विल बी नंबर ऑफ सब सेल्स. अब सब सेल्स के आधार पर डिसाइड करेंगे ऑर्बिटल्स के नंबर्स कितने होंगे. दैट मीन्स ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल्स की संख्या डिसाइड करेंगे. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2L+1. किसके बेस पर डिसाइड होगा, फॉर्मूला क्या है. टोटल ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2L+1. 2L+1 में आप देखिए व्हाट विल बी L वैल्यूज. L वैल्यूज विल बी टेक फ्रॉम हियर. L इक्वल टू 0, यू पुट अप हियर L इक्वल टू 0. देन इफ L इक्वल टू 0, और 0 डिटर्मिनेशन फॉर सब सेल एस ऑर्बिटल, L इक्वल टू 0, देन इट विल बी 2×0+1 L इक्वल टू 1. दैट मीन्स 1 ऑर्बिटल फॉर S. S ऑर्बिटल के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, S सब सेल के लिए 1 ऑर्बिटल होगा. यानी इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे S के लिए, फॉर S. S सब सेल के लिए, S सब सेल के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 ऑर्बिटल होगा. कितना होगा, ओनली 1 ऑर्बिटल. इफ L इक्वल टू 1, कितना पुटअप करेंगे, L इक्वल टू 1 पुटअप कीजिए इस फॉर्मूले में. यू कैन सी इफ यू पुटअप L इक्वल टू 1, देन 2×1+= कितना हो गया, 3. दैट मीन्स 1 वैल्यू इज फॉर P ऑर्बिटल. P में हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स विल बी. S P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल्स विल बी, 3 ऑर्बिटल्स विल बी इन P सब सेल. ओके, कौन कौन से होंगे, दैट विल बी PX, PY एंड PZ. PX, PY एंड PZ विल बी. नाउ वी टेक L इक्वल टू टू, देन L का वैल्यू कितना है, 2. ये पुटअप कीजिए इस फॉर्मूले में, 2×2+1=5. और 5 जो आ रहे हैं, 5 ऑर्बिटल हो गए टोटल. किसमें, 2 किसके लिए है, D ऑर्बिटल के लिए. डैट मीन्स D का जो आपके पास सब सेल था, इट हैव 5 ऑर्बिटल्स. हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स आर प्रजेंट इन D सब सेल. डैट विल बी
डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर डेट विल बी 5 ऑर्बिटल्स फॉर डी इफ एल इक्वल टू 3। अगर आप एल का वैल्यू है वो 3 पुटअप करते हैं इस फॉर्मूले में तो व्हाट विल बी वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। एल इक्वल टू 3 किसके लिए यूज किया है मैंने एफ सब सेल के लिए यूज किया है डैट मीन्स इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे 7 ऑर्बिटल्स होंगे। एल इक्वल टू इफ यूज 4 देन ऑर्बिटल्स विल बी पुट अप दिस 2 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 9। सो वी कैन सी एज वेल एज नंबर ऑफ एल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आल्सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज। सो यू कैन सी इजिली इन समरी आई टेल यू अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर इट डिसाइड द वैल्यू ऑफ ए एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 सब सेल नेम एस पी डी एफ इट इज सफिशियंट फॉर अस ऑन 11th क्लास ऑर्बिटल नंबर टोटल ऑर्बिटल नंबर किसके आधार पे डिसाइड करोगे 2L+1 फॉर्मूला डेट विल बी हियर 1 हियर 3 हियर 5 हियर 7 ओके। ऑर्बिटल्स नंबर डिसाइड हैं इसके अकॉर्डिंग ये अपना एक टेबल्स हो गया। इन दिस टेबल वी कैन सी नंबर ऑफ एल वैल्यूज नंबर ऑफ सब सेल एंड आल्सो टोटल ऑर्बिटल नंबर अकॉर्डिंग टू एल प्लस वन फॉर्मूला डेट कैन बी रिप्रेजेंट इजीली अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन के आधार पे आप क्या डिसाइड कर सकते हैं टोटल ऑर्बिटल नंबर इन सब सेल ओके। नाउ वी सी द वैल्यू ऑफ एल इफ एन इक्वल टू 1 देन एल इक्वल टू 0 and 1 एन इक्वल टू 2 देन इट्स वैल्यू विल बी कितनी वैल्यू होंगी इसकी 3 वैल्यू होंगी कौन कौन सी होंगी एल इक्वल टू 0 है 1 and 2 also same conditions we will be see the number of L's value according in a third quantum number that will be third quantum number decide on the basis of N and L values we see according to N value we decide L value L value decide next quantum number M values okay that means every quantum number is depend on each other if N is already known then we determine L if L determine then decide M values so in this we see what is the feature of L and what is the importance of L main in this part you can see already that is summary of this video you remind in this always chemistry basic parts it is very necessary to know that SO subcell have only one orbital P have 3 orbitals D have 5 orbitals and F have
seven orbitals, always no change in orbitals, always remain constant 1, 3, 5, 7 according to L values. Okay, in next video we see the third quantum number, that will be magnetic orbital quantum number. Okay, so you see the N and L already. Now we discuss about M and S quantum number in next video. Thank you for today.